अब हम डॉक्टर खुर्रम से गुफ्तगु शनीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए जी डॉक्टर खुर्रम जी। रिदा, तो आज आपके पास जो फर्रा आया है उसमें क्या क्या सवाल है? अच्छा, एक तो पहला फर्रा आया है समीना का। मैं समीना कह रही है कि मेरे पिंपल्स खत्म हो गए, उनके स्पॉट रह गए और थोड़े से स्पॉट्स भी रह गए, थोड़े स्किन ब्लैक हो गए एक्ने के बाद ना, हाथ से दबाने से भी होता है। अच्छा, उसके लिए बड़ा सिंपल, जिस किसी के भी स्पॉट्स आ गए चेहरे पे, आप चाहते हैं स्किन बड़ी फ्रेश हो, तो उसके लिए आपको लेना है 1 चमचा लो फैट योगर्ट, 1 टेबल स्पून ये वाला, ठीक है, लो फैट योगर्ट। उसके अंदर डालेंगे आप 1 चमचा जौ का आटा, मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर थोड़ी सी विटामिन ए क्रीम, बिल्कुल जो मैं बताता हूँ पी साइज में, ठीक है, मटर के दाने जितनी, उबलता हुआ पानी डालिएगा और 1 चमचा बिल्कुल क्रश्ड आप पुदीना और 1 चमचा आप डालेंगे नीम के पत्ते, ठीक है, पुदीना नीम के पत्ते, बॉइल्ड वाटर, 1 चमचा पुराना लो फैट योगर्ट, जरा पुराना फ्रेगमेंटेड हो जाए, ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे 1 चमचा ओटमील, जौ का आटा, मिक्स करके पूरे चेहरे पे आप जेंटल मसाज करें, जितना मैल कुचैल ब्लैक हेड्स हैं आपके सारे वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा एक रेमेडी है, हर कोई यूज कर सकता है। और वो साबुन में एक दफा और बता दूं, लोग बहुत पूछ रहे हैं इसको कि आप जो आमंड आपको सोप बनाना है उसमें क्या करना है कि आपको 9 से 10 कतरे आपको जैस्मीन यानी गुले यास्मीन का तेल लेना है। उसके अंदर आप डालेंगे 2 चमचे बिल्कुल 2 टेबलस्पून बिल्कुल कुचल के क्रश करके बादाम, उसके अंदर 1/2 कप उबलता हुआ पानी, 2 मतलब इतना छोटा वाला कप गुलाब की पत्तियां पुरानी वाली जरा थोड़ी ड्राइड अप, ठीक है, उसके अंदर 1/3 आप विटामिन ई का सोप, 1/3, और उसके अंदर डालेंगे आप बहुत सारा उबलता हुआ पानी, मिक्स करके फ्रीजर में रख दें 72 घंटे 72 आवर्स, फिर इसे मुंह धोइएगा, बड़ा जल्दी होता है। अच्छा, अब मैं आपको जरा बताऊं, पूछूं आपसे सवाल, मेरी उमर ने सवाल किया है, ये उन्होंने मेल भेजी है कि आपकी टिप्स बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है, और वो चाहती हैं आपसे ये पूछना कि उनके बहुत अनवांटेड हेयर हैं फेस पर। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या गर्मियों में हॉट पैक्स फेस पर करानी चाहिए, पहला, ठीक है, और दूसरा वो ये सवाल पूछ रही हैं कि हॉट पैक्सिंग बार के पत्तों का मास्क लगाने का पूछ रही हैं आपसे। कौन सा वाला? वैक्सिंग, हॉट वैक्सिंग बार के पत्तों का मास्क, ये कोई आपने चीज बताई थी, ढेर की बड़ के दरख की गोल, अल्लाह, बड़ होगा हो? हाँ, अंग्रेज है ना, बड़ के दरख बार उसमें बारी बी ए आर लिखा है, तंग कर रहा है, बी यू होना चाहिए, बी यू आर एच, नहीं नहीं सही नहीं, पता मुझे भी एकदम से समझ में ना आता होता बाकी। अच्छा देखिए, अगर आपको बालों की ग्रोथ होती है, फिर मैंने बताया था कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो 2 टाइम इवनिंग प्राइमरोज ऑयल जरूर खाएगा, ठीक है, हॉट वैक्स कराना या कोल्ड वैक्स कराना, उससे क्या होगा इवनिंग प्राइमरोज ऑयल से आपके तमाम सिस्टम्स जो हैं वो तमाम पीरियड्स वगैरह वो जरा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है, आपके जो पीरियड्स थोड़े अप एंड डाउन होते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला होता है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो बहुत नॉर्मल होता है, उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की आप नजर रखवाते रहे, और बाकी जो पीरियड्स थोड़े अप एंड डाउन होते हैं कोई परेशानी है। अच्छा, पीरियड्स अप एंड डाउन होने से आपके स्किन और बालों में क्या फर्क पड़ता है, क्या खराबी? बिल्कुल हाँ, अच्छा, पीरियड्स आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में, तो फ्लैशिंग होती है, स्किन बड़ी रेड हो जाती है, दाने निकलने लगते हैं, कहीं कहीं से आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो वो बिल्कुल आपके हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, तो इसको जरा आपको काम डाउन करेगा प्रिमरोज ऑयल है, ये इसको बैलेंस करना है। कोई अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप लें, अगर प्रेग्नेंट नहीं है, अगर आप हामला नहीं है तब लीजिएगा, वरना बिल्कुल मत लें, कोई भी चीज प्रेगनेंसी में तो एक एक चीज आप डॉक्टर से पूछ लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि विटामिन ए की क्रीम बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग मिल्क में मिला के पूरे चेहरे पे लगा के सो जाए, ठीक है, सुबह को उठ के आपको क्या करना है, पहले आपको मॉइस्चराइजिंग मिल्क या 2 चमचे पाउडर मिल्क, उसके अंदर 1 चमचा बड़ के दरख की गोंद, इनको मिक्स करके और थोड़ी सी मेडिकेटेड उबटन, थोड़ी सी हल्दी, इनको मिला के पूरे चेहरे पे जहां जहां बालें लगाएं 40 मिनट्स लगा रहने दें, उसको अच्छी तरह से खुश कर लें, बिल्कुल यू ड्राई करके फिर मेडिकेटेड उबटन से आप इसको चेहरे की सफाई करें, तो बिल्कुल बालों की ग्रोथ खत्म हो जाएगी और आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। एक हमें और मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी मैं वैक्स करवाती हूँ, तो वैक्स करवाएं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, अगर दाने आते हैं फॉर द टाइम बीइंग कोई नुकसान नहीं है, 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम, ये कॉर्टिजोन नहीं है, ये स्टेरॉइड नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा इसमें थोड़ी सी ऐड करके कि लेजर का बार बार पूछा, देखिए लेजर आपकी आंखों की सर्जरी हो, बालों की हो, कुछ भी हो, वो एक अलग बात है, मगर स्किन पे अगर आप कराते ना लेजर, तो उससे होता ये है कि आपके बहुत ज्यादा एक तो पिगमेंटेशन आती है और आपके स्किन बहुत जल जाती है, एजिंग प्रोसेस होता है। उसके लिए सिंपल ये, इंटरनेट पे जाएं, लेजर इन ए
SIAN Asian Skin टाइप करें, पढ़े साइड इफेक्ट्स, खुद सुकून आएगा। इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो, महबूब आप कुछ कहना चाहेंगे? जरा फौरन इस पे हमने थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर देने के लिए इसको हल्का सा जो कोयले का पीस हमने वो किया था ना गरम, ये कर दिया, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जो हमने फ्राई पैन में, हमने प्लेटों में चमचे बजाना शुरू कर दिए हैं, बस आप बजाएं। ये जो हमने फ्राई पैन में शीरमाल बनाया था वो भी तैयार हो गया। महबूब भाई बिल्कुल वो लग रहा है पैनकेक, फ्रेंच है ना शीरमाल, पैनकेक लग रहा है ना, ये बेसिकली है ही पैनकेक यार, पैनकेक है ना क्या। हमने चमचे बजाना शुरू कर दिए, खाना दो, खाना। अब मुझे याद आया पैनकेक की खुशबू आ रही है। अच्छा डॉक्टर, वो कभी कभी खाने को मिलता है ना। अच्छा ये अच्छा जी ये आ गया और बस आ गए आ रहे हैं। अब ये सवाल जो मैं आपसे करने वाली हूँ, ये किया दिल नवाज बलोच ने, जी जी वो कहते हैं कि उनकी एज 18 है, उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, रंग गोरा करने के लिए उन्हें बता दें, और उनको वो ये भी कह रही हैं कि जो भी आप चीजें बताएंगे वो ये बताइए कि हैदराबाद में कहाँ कहाँ से मिलेंगी, प्लीज मुझे डॉक्टर खुर्रम का नंबर भी सेंड कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है अभी ले लेंगे। अच्छा हैदराबाद में तो बड़ी पुरानी पुरानी बड़ी तारीखी बड़ी हिस्टोरिकल मार्केट है, वहाँ पे आपको वो जो एक रेशम गली वहाँ बड़ी मशहूर है, देखिए वो बड़ी पहाड़ी है ना, वहाँ बड़ी लड़कियों की चीजें और लड़कियों की नहीं लड़कों की चीजें भी होती है। मैं जाता रहता हूँ संडे घूमा, वहाँ नहीं गया, जाऊंगा इनशाला। अच्छा उसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा, अच्छा आपके दाने आ रहे हैं और चेहरे पे बहुत डार्क हो रहा है, एक बड़ा सिंपल सा, एक तो पहले क्लिंजिंग करिएगा चेहरे की, क्लिंजिंग मास्क होगा ठीक है, उसके अंदर आपको बड़े मौसम के फल होते हैं जैसे एक टेबलस्पून आप लीमू का जूस, एक टेबलस्पून आप गाजर का जूस, एक टेबलस्पून ऑरेंज का जूस, ये बड़ा सिंपल चीज है ठीक है। जब ये बन जाए अच्छी तरह मिक्स करके ग्लास में डालें, एक चमचा जैतून का तेल ऑलिव ऑयल, उसके अंदर आप डालें जो कहते हैं ईस्ट यानी कि खमीरा, एक चमचा ग्राइट जी, खमीरा नहीं खमीर, खमीर 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 वो बिल्कुल सही, मेरे साथ मेरे सामने होते नहीं 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 खमीर 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 डालिएगा ठीक है। और उसके और उसके वो कहते लोग आपके खमीर में खराबी है ये वाला, हाँ वो वाला खमीर ठीक है। एक चमचा नींबू का जूस, एक कीनू, एक चमचा आप उसमें डालेंगे गाजर का जूस, एक चमचा ऑलिव ऑयल, एक चमचा महबूब भाई का खमीर, और इसमें डालेंगे, अब ये पेटेंट चीजें बता दी, ये आपको महबूब भाई से मंगवाना पड़ेगा जो भी खरीदेगा पेटेंट राइट। अच्छा आधा चमचा दही मिक्स करके पूरे चेहरे पे मास्क लगाएं, और उसके बाद वही मेडिकेटेड उपकरण जो उर्दू में आप मेडिकेटेड को उर्दू में तिब्बी भी कह सकते हैं। अच्छा। उससे आप मुंह धोएंगे बड़ा जल्दी। एक मिनट है हमारे पास, आखिरी आ गया काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। आपका जो शुरू वाला जो भाषण था ना खाने के, जो क्या शुरू वाला जो मैंने कहा था मैं संभाल लूंगा, लंबा हो गया आपको पता नहीं, मैं बड़ा बड़े बोल बोल गया, ये निदा अंदर से नहीं, एक गेम शो करने वाली है उसकी रिहर्सल करी, काउंटडाउन स्टार्ट नाउ, हो गया तैयार हो गया। चलिए जी खाना हमारे सामने आ रहा है, और डॉक्टर खुर्रम एक और आपसे पूछना चाह रही थी, बिल्कुल निदा प्लीज पूछे ना जी, टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि जो अभी आपने बताया ना एक्ने के बारे में, बिल्कुल वो स्वीटी ने भी पूछा, इरम कुरैशी ने प्यार से अपने आपको स्वीटी कहा। अच्छा स्वीटी के लिए जल्दी से टोनर बता देता हूँ, बड़ी प्यारी हो जाएगी स्वीटी, एक सेकंड कॉर्नर स्वीट, डबल स्वीटी हो जाएगी। हाँ। क्या करना है कि आपको आधा कप सिरका लेना है, माल्ट विनेगर ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे 3 से 4 लौंगे क्रश करके, थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल मिलेगा, गुलाब की पत्तियां और अरके गुलाब मिक्स करके बॉटल में भर के रख लें, सुबह शाम स्प्रे करें, स्वीटी और डबल स्वीटी हो जाए। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज आप दोनों को, और हम मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज होने वाला है, लेकिन उससे पहले डिजर्ट जल्दी से बता रही हूँ। देयर आर नो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द आईज ऑफ अ चाइल्ड, देयर आर 7 मिलियन। हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कितने ख्वाब देखे हैं, हमारी चीज़ को कहते हैं हाँ ये तो कॉमन है, ये तो ये कोई बड़ी बात है, बच्चों के बच्चे बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, उनको हर चीज़ एक वंडर लगता है दुनिया में, और काश कि हमारा दिल भी हर दिमाग भी बच्चों की तरह रहे, ताकि हम इन सीख कबाब को भी वंडर समझें, क्या नाम है शीरमाल को भी, और वंडर समझ के खाएं, एंजॉय करें लाइफ को, हर एक चीज को वंडर समझ के जिंदगी गुजारेंगे। कल ब्रेन मसाला अल्लाह, रात का खाना भी नहीं खाऊंगा, नायाब चीज पका रहे महबूब भाई, ठीक है जी मिलेंगे इंशाल्लाह कल ब्रेन मसाला के साथ, बहुत सारी इंटेलिजेंट बातें होंगी क्योंकि ब्रेन मसाला खाएंगे, तो शेफ महबूब निदा यासिर एंड डॉक्टर खुर्रम को दीजिए इजाजत, था बाय बाय, टूट पड़ो।